एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 क्लास 11th इंग्लिश का पढ़ने जा रहे हैं। इसका नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर है कुशवंत सिंह। सो इस चैप्टर में हमें एक ग्रैंडमदर का कैरेक्टर स्केच दिया हुआ है। बहुत प्यारा चैप्टर है। लेट अस स्टार्ट रीड चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। वी विल डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड द मीनिंग इन दिस चैप्टर। As an old woman, she had been old and wrinkled. Wrinkle means जो face पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। वो 20 years that I had known her. I कौन है यहाँ पे? I है यहाँ पे author, right? Author जो कि यहाँ पे लिखे 20 years से अपनी grandma को जानते हैं। Means उसकी एज है 20 years. People said that she had once been young and pretty and had even a husband. Husband means author ki grandfather, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. This means that ki jo author hai usne apne grandfather ko nahi dekha, because it's hard to believe when everyone says ki jo grandmother thi uske husband jinda the. But उसने अपने ग्रैंडफादर का एक पोर्ट्रेट ज़रूर देखा है जो हमारे मेंटल पीस में से हमारी रूम के छत के ऊपर सबसे टॉप पे होता है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। वो अपने सर पे एक बिग टर्बन पहनते थे और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे। हियर वी आर रीडिंग द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का कैरेक्टर स्केच पढ़ रहे हैं हम इधर। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. Means जो उसका जो जैसे हमारे ग्रैंड मीन्स जो ग्रैंडफादर थे उनके पास बहुत अच्छी वाइट बियर्ड थी और वो काफ़ी एज थे, अप्रॉक्सीमेटली 100 years old के थे। एंड जो उनकी बियर्ड थी वो इतनी लॉन्ग थी कि उसके उनके चेस्ट को कवर करती थी वो। He did not look the sort of person who would have a wife or children. उनके फेस को देख के ऑथर पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो फेस से देख के ऐसे नहीं लगते हैं कि उनके पास एक वाइफ भी है और चिल्ड्रन भी है। ही लुक्ड एज ही कुड ओनली हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो हमेशा ऐसे ही दिखे मुझे कि उनके हमेशा बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। मीन्स जो उनकी पोर्ट्रेट लगी हो वो उसमें वो काफ़ी एज्ड दिख रहे हैं। एज फॉर ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग मीन्स इट वॉज चैलेंजिंग कि हमारी मेरी ग्रैंड माँ भी कभी यंग या प्रिटी थी ये चीज। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो कभी कभी काफ़ी बड़ी हमें वो सब बता देती थी जो बचपन में खेला करती थी, वो सारी गेम्स बता देती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड दैट हर ऑन हर पास्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। means fables of the prophet means as a story. उन्हें एक स्टोरी लगती थी कि वो जो बता रही है, और अनडिग्निफाइड मीन्स इट वॉज वेरी हार्ड टू बिलीव कि उनका ऐसा ब्यूटिफुल सा पास्ट होगा, और हमें कई बार लगता था कि वो हमें कहानियाँ सुना रही है। शी हैड ऑलवेज बीन द सॉर्ट ऑफ फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी बेंट थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारी एज बढ़ी जाती है तो हमारी जो बैक होती है वो थोड़ी मुड़ जाती है, बेंट। दैट सेम वे द ऑथर इज सेइंग हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। मीन्स उनकी वो इतनी एज थी कि उनके फेस पे बहुत सारी रिंकल्स थी। नो वी वर सर्टेन दैट शी हैड बीन एज वी हैड नोन हर, बट उनके हिसाब से वो हमेशा से ऐसे ही दिखती थी जैसे वो आज दिखते हैं। शुरू से उन्हें ऐसे ही देखते आ रहे तो उन्हें लगता था कि वो ऐसे ही दिखती हैं। Old so terribly that she could not have grown older and stayed at the same age for 20 years. अब author ऐसा कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो 20 साल से इतनी ही एज की है, उन्हें उनकी ना एज बड़ी है ना घटी है, वो इतनी ही एज की हैं, इतनी ही ओल्ड हैं। She could never been a pretty, but she always beautiful. Now what does this line mean? This is very important line. इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो प्रिटी नहीं थी, मतलब जवान हमने उन्हें ऐसा जवान नहीं देखा, वैसे नहीं देखा, बट वो ब्यूटीफुल थी। ब्यूटीफुल मीन्स उनका करेक्टर काफ़ी ब्यूटीफुल था, उनका नेचर काफ़ी ब्यूटीफुल था। शी हॉब्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द ब्रीच ऑफ द हॉजरी। हर सिविल लॉक्स वर स्कैटरिंग अनटाइडली ओवर द पेल पकफर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर।
तो इसमें हमारे जो हमारी दादी है, ग्रैंड मदर है, उनके बारे में बताया हुआ है कि वो हमारे घर के आसपास एक वाइट कलर का एरिया होता था, वहीं पे घूमती रहती थी, जो कि एक हाथ उनका बैक पे होता था, कमर पे होता था, एंड जो दूसरा होता था वो बीट ऑफ रॉजरी, बीट ऑफ रॉजरी में जो माला रहते हैं वो, उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, सिल्वर लॉक्स मीन्स वो सिल्वर चांदी की इयररिंग्स पहनते थे ईयर्स में, और पकफर्ड फेस, पकफर्ड मीन्स मीन्स जो एज्ड फेस था वो दिखता था, और जो उनके लिप्स थे कॉन्स्टेंटली मूव करते थे इनऑडिबल प्रेयर में, इनऑडिबल प्रेयर मीन्स वो आराम आराम से मन मन में एक भगवान का जाप करती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योरिटी, वाइट सैनिटरी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अब उन्होंने अपनी दादी का करेक्टर एक वाइट, एक विंटर लैंडस्केप माउंटेन से कंपेयर कर रहे हैं, जो एक बहुत वाइट प्योरिटी दिखाती थी उस तरह से। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, तो वो अपने और ग्रैंड मदर के बॉन्ड के बारे में बताते हैं यहाँ पे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द माउंटेनस, सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड रेस्ट मी अप, एंड आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, बट आई नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर विद येलो चॉक, टिनी अर्दन इंक पॉन्ड एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन द बंडल हैंड टू मी। तो क्या हुआ था, वो ग्रैंड मदर अपना बॉन्ड बताते हुए कहते हैं कि जो मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे जब वो सिटी शिफ्ट हुए थे वहाँ, उस टाइम पे मुझे इनके पास छोड़ा था, और तब से मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। वो मुझे सुबह उठाती थी मॉर्निंग में और रेडी करती थी स्कूल के लिए। जैसे ही वो सुबह उठती थी, उनके मुँह से सबसे पहले प्रेयर ही निकलती थी, नहाते धोते खाते मुझे रेडी करते टाइम वो गाती ही रहती थी। मैं भी उन्हें बहुत दिल से सुनता था, और बट मैंने कभी उसको लर्न करने पर ध्यान नहीं दिया, आई वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न इट। एंड शी वुड फेच मी वुडन स्लेट, उस टाइम पर वो वुडन स्लेट पर वर्क करते होंगे, तो वुडन स्लेट हैंड ओवर करती है ग्रैंड मदर, एंड विच वॉज ऑलरेडी वॉश्ड, वो एक दिन पहले उसे वॉश कर देती थी, एंड इंक पॉट भी देती थी, स्लेट भी देती थी, सब कुछ उन्हें हैंड ओवर करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती द लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर हर पिले शॉक्स। तो हम सुबह से भी रोटी खाते थे, उसके ऊपर बटर होता था और चीनी भी होती थी, तो उसके बाद स्कूल चले जाते थे, वो मुझे स्कूल छोड़ के आती थी, उसके बाद वो खुद चपाती जो थी वो अपने हाथ में लेती थी, ताकि वो अपने विलेजर डॉग्स को भी खिला सके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज इन टू स्कूल विद मी बिकॉज द ग्रैंड स्कूल वॉज अ टास्क द एग्जाम्पल, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट इन द मॉर्निंग प्रेयर, व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज either side of the veranda singing the alphabet or the prayers on the chorus, my grandmother sat aside reading the scriptures। तो जो grandmother थी वो हमेशा स्कूल छोड़ने जाया करती थी author को, क्योंकि जो स्कूल के पास एक टेम्पल हुआ करता था, टेम्पल में प्रेस्ट होते हैं हमें पता है, तो टेम्पल में भी जाया करती थी। जो प्रेस्ट था, पंडित था, वो सभी को अल्फ़ाबेट सिखाता था और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था, जबकि जब चारे चिल्ड्रंस एक साइड रो में बैठे होते थे वरांडा में और अल्फ़ाबेट्स गा रहे होते थे, प्रेयर गा रहे होते थे, मेरी जो ग्रैंडमदर थी उनके वो अंदर बैठती थी और वो स्क्रिप्चर्स भी धार्मिक किताबें पढ़ रही होती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश वी वुड वॉक बैक टूगेदर, जब हम दोनों का ख़त्म हो जाया करता था तो हम वापस चले जाया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, दे वुड फॉलो अस एंड होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज विथ यू ऑन दैम। तो इसी रास्ते में हम जब हमारा फिनिश हो जाता था तो हम घर चले जाते थे, और जो डॉग्स थे वो हमारे साथ साथ चलते थे, हमें फॉलो करते थे हमारे घर तक, कभी वो घुर्राते थे, मतलब बाग करते थे, कभी वो लड़ते थे चपातीज के लिए जो हम उनके लिए देते थे। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, दे सेंट अस फॉर द सेंट फॉर अस, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्ग केम टू स्कूल विद मी, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बस। जब मेरे पेरेंट्स ने कम्फर्टेबली सेटल हो गए तो उन्होंने हमें बुला लिया वहाँ से, एक टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ में। दो वो दोनों सेम रूम शेयर करते थे, एज वे है मैंशनड है वी शेयर द सेम रूम, वो दोनों सेम रूम शेयर करते थे, बट जो ग्रैंड मदर थी वो
ऑथर को स्कूल में नहीं छोड़ने आती थी एंड ऑथर इंग्लिश स्कूल में चला गया था जो कि मोटर बस थी, ठीक है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज ऑन द कोर्टयार्ड इन द सिटी हॉल। सो हियर वी केम टू नो दैट जो हमारी दादी है वो बहुत काइंड नेचर की है, हेल्पिंग नेचर की है, और अगर अब उनकी स्ट्रीट में डॉग्स नहीं मिलते हैं तो उन्होंने स्पैरोज को फीड करना स्टार्ट करवा दिया था। एज द ईयर ओल्ड्स by we saw less of each other for some time she continued to wake me up and get me ready for the school। ऐसे ही दिन बीतते गए, but जो उनका सेम प्रोसीजर था, सेम टाइम था, वही वो फॉलो होता था। वो दादी उन्हें उठा दी थी और वो रेडी करती थी। When I came back to school she would ask that what the teacher had taught me। वो हमेशा पूछती थी कि आपके टीचर ने आज आपको क्या पढ़ाया जब भी वो स्कूल से बाहर आते थे। I would tell her English word and the little of the Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. etc. So मैं उन्हें English के बारे में बताता था क्योंकि मैं English school में, वो English school में पढ़ते थे। So वो सारी चीज़ें बताते थे कि साइंस पढ़ी हमने, आज हमने फिजिक्स पढ़ी, लॉ ऑफ ग्रेविटी फिजिक्स का पार्ट है, Archimedes principle फिजिक्स का पार्ट है, साइंस पढ़ी। तो दिस मेड हर अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी टू विद माई लेसन। सो ये चीज़ दादी को बहुत अनहैप्पी करती थी, बिकॉज आज से पहले सारी स्टडीज़ में हेल्प करवाती थी वो, बट अब वो नहीं करवा पाती थी बिकॉज शी डोंट नो इंग्लिश। She did not believe in the things they taught at English in the school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures। तो उन्हें एक चीज़ और डिसअपॉइंट करती थी कि स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों में, इंग्लिश स्कूल में उन्हें इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, उन्हें गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बिगिन गिवन अ म्यूजिक लेसन, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। तो एक दिन मैंने उन्हें बताया कि आज हमें म्यूजिक लेसन दिया गया, तो इस चीज़ से वो बहुत गुस्सा होगी, बहुत डिस्टर्ब होगी। टू हर म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशन, उनके लिए म्यूजिक एक बहुत वियर्ड एसोसिएशन है। इट वॉज अ मोनोपोली ऑफ हाइलर्स एंड बिगर एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉर्म, शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। सो अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर जो म्यूज़िक था वो हालर्ट्स और बैगर जो हमारी सोसाइटी के उस टाइम की सोसाइटी में लोअर कास्ट माने जाते थे उनके लिए था, बल्कि जेंटल फॉक्स के लिए नहीं था, जेंटल लोगों के लिए नहीं था। बट उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट उनकी जो साइलेंस थी वो साफ साफ बता रही थी कि शी वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड उसके बाद उन्होंने इस टॉपिक में बात ही नहीं करी। When I went off for the university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो मुझे खुद का रूम दे दिया गया। The common link of friendship was snapped. वो बंद हो चुका था। My grandfather accepted her seclusion with resignation. Mother accepted her seclusion with resignation. She really left her spinning wheel to talk with anyone. तो क्या हुआ, जब वो यूनिवर्सिटी में आ गए उनका खुद का अपना एक कॉमन रूम, अकेला रूम दे दिया गया, तो जो उन दोनों के बीच में कॉमन फ्रेंडशिप का जो लिंक था वो बंद हो चुका था। तो ग्रैंड मदर ने उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था और एक तरह से वो रिज़ाइन हो चुकी थी अपनी ड्यूटी से, बिकॉज जो ऑथर थे वो बड़े हो चुके थे। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट ऑन द स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर। तो उसके बाद उनकी एज हो चुकी थी तो स्पिनिंग व्हील पर बैठ चुकी थी अब, तो दिन से सुबह शाम रात दोपहर वो सनशाइन देखती थी और प्रेयर गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ वो दोपहर में फ्री होती थी ताकि वो स्पैरोज को फीड कर सके। व्हाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग bread into little bites, hundreds of birds collected rounding her, creating a veritable bedlam of chirpings. तो क्या हुआ, जब वो बरामदा में बैठती थी और छोटे छोटे पीसेज में ब्रेड को करती थी, तो क्या होता था, जो हंड्रेड ऑफ बर्ड्स थी वो ग्रुप बना के राउंड सा उनके पास एक वेराइटी ऑफ साउंड्स भी बनाती थी, चिरपिंग भी करती थी और उनके पास आ जाती थी। सम कम एंड पर्च हर लेग्स, कुछ आती थी उनके लेग्स पर चढ़ जाती थी लेग्स, अदर ऑन द शोल्डर, कुछ उनके पैरों पे बैठ जाती थी आगे, कुछ उनके शोल्डर्स पे। सम इवन सैट ऑन हर हैंड, कुछ उनके सर। शी स्माइल बट नेवर शूड हिम देम अवे, वो हंसती थी बट उन्हें कभी उड़ाया नहीं, उन्होंने कभी उसे उड़ाया नहीं वहाँ से। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे ऑफ फोर आवर, ये जो आई घंटा उन्हें मिलता था वो उनके लिए हैप्पीएस्ट होता था। When I decided to go abroad for further study, I was sure that my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age it could never
वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटीमेंटल. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक अ शो एनी इमोशन. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर एज यूजुअल. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द ब्रीड ऑफ द रॉजरी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड. When I left, I cherished the moist imprint or perhaps a last sign of physical contact between us. तो क्या हुआ कि author ने decide किया कि वो abroad जाएगा अपने further studies के लिए. तो उसे उन्हें पता था कि मेरी जो grandmother थी वो बिल्कुल for sure she will be upset. But क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो उन्हें ये सोच के बहुत दुख हो रहा था कि मैं 5 साल अपने वहाँ से दूर रहूँ, अपनी grandma से दूर रहूँगा. और इस एज में तो बहुत ही मुश्किल है बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड लेडी. देन बट जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने सेंटीमेंट्स नहीं दिखाए अपने. उन्होंने बिल्कुल राइट डिसीजन लेते हुए ऑथर को रेलवे स्टेशन पहुंचाया और कोई इमोशन नहीं दिखाया. उनके स्टिल अभी तक उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर में मूव कर रहे थे. उनका जो माइंड था वो भी प्रेयर में था. जो उनकी फिंगर्स थी वो बिजी थी ब्रीड को टैली करने में. एंड साइलेंटली शी किस्ड द फोरहेड ऑफ द ऑथर. तो दैट टाइम इट वाज द लास्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम. बट दैट वाज नॉट सो. आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम एंड आई मेट हर एट द स्टेशन. ऑथर को ऐसा लगा था कि हमारी लास्ट मुलाकात होगी बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. 5 साल बाद वो फिर से आया, उन्होंने स्टेशन में मिला. तो वैसे ही वो दोनों मिले एक दूसरे से. शी डिड नॉट लुक अ ओल्डर डे ओल्डर. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी हर ऑन द आर्म्स आई कुड हियर द रिसाइटिंग ऑफ प्रेयर्स. तो क्या होता है कि वो स्टिल अभी तक भी ओल्ड, मतलब पहले वैसे ही दिखती ही जैसे वो लास्ट 20 ईयर से देखता आ रहा था ऑथर उन्हें. एंड स्टिल आज उनके भी इनके लिप्स बिजी थे प्रेयर बोलने में ही. जब वो दोनों गले मिले तब उन्होंने ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि शी स्टिल रिसाइटिंग द प्रेयर. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अरावल शी द हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोस. जबकि मैं मेरा पहला दिन था अब्रॉड से आया था तब भी दादी के लिए सबसे हैप्पीस्ट मोमेंट था स्पैरोस ओनली होम शी फेड लॉन्गर विद द फ्रेवियलेस रिब्यूक्स. तो उन्हें वो बहुत अपनी इच्छा के साथ खिलाया करती थी. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. शी कलेक्टेड द वुमेन नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्ट टू सिंग. एक इवनिंग ऐसा चेंज आया उनके अंदर जो पिछले 20-25 सालों से ऑथर ने देखा ही नहीं था. क्या था वो चीज कि उन्होंने प्रे नहीं किया बल्कि उन्होंने सारे अपने एरिया की ओल्ड वुमेंस को इकट्ठा करा और एक पुराना सा ड्रम लिया और उसे बजाते हुए सिंगिंग स्टार्ट कर दी. फॉर सेवरल आवर्स थी थम दिस सैगिंग स्किन्स ऑफ द टेलीपेटेड ड्रम एंड सैंग द होम कमिंग वेरियर्स. तो उन्होंने क्या किया, वो जो ड्रम था उसको गाती रही, उसको बजाती रही और गाती रही. She had persuaded her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I know that she did not pray. तो उन्होंने वो गाती की गाती की गाती की और ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने गाया नहीं था. Next morning she was taken ill. It was a mild fever and doctor told us that it would go. तो अगले दिन क्या हुआ, एक हल्का सा फीवर था उन्हें और डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि हाँ ये रहेगा कुछ टाइम के लिए. बट ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. शी टोल्ड दैट हर एंड वॉज नियर. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ हैड ओमिटेड टू प्रे शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम मोर टॉकिंग टू अस. बट जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसको अलग ही चीज़ में सोचा. क्या सोचा उन्होंने कि उनका जो एंड है वो नियर है. उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ के कुछ आर रह चुके हैं और उनका चैप्टर क्लोज होने वाला है कुछ टाइम. मीन्स शी इज़ गोइंग टू बी डाई एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम शी स्टार्ट प्रेइंग अगेन. वी प्रोटेस्टेड. उन्होंने मना किया, सभी ने मना किया बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. शी ले पीसफुली ऑन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर ब्रीथ. वो उन्होंने इग्नोर करा जो हमने कहा और वो अपने बेड पर लेट गई और वही टैली करने लगी ब्रीड्स, अपनी मालाएं जपती रही. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड रॉजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. तो क्या हुआ,
जैसे कि उससे पहले कि वो रोक पाते हों, वो सब उन्हें रोक पाते, क्या हुआ कि जो उनके लिप्स थे वो रुक गए एंड जो रोजरी थी उनके हैंड में वो गिर गई, मीन्स शी वो डाई. अ पीसफुल पैलर स्पेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. एक बहुत शांति वाली स्माइल कह लो या लिप्स कह लो उनके स्टॉप हो गए, तो उनके फेस पे आ गए एंड वी ऑल केम टू नो दैट शी वॉज डेड. शी लेफ्ट हर ऑफ द बेड एज इन कस्टमरी, लाइड ऑन हर द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड. एज यूजुअल सभी की एक सभी का कस्टम होता है, उन्होंने उनको उठाया, उनको नीचे ग्राउंड पर लेटा दिया एंड कवर कर दिया उन्हें. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स यहाँ पे पूजा करना, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेकिंग अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल. उसके कुछ घंटे बाद हमने उसके अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया फ्यूनरल का. इन द इवनिंग वी वेंट टू रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर्स टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. द सन वॉज सेटिंग एंड इट हैड लिट हर रूम एंड द वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट्स. तो क्या हुआ, हमने कुछ टाइम पूजा करवाने के बाद कुछ घंटे बाद उनकी फ्यूनरल की तैयारी करनी शुरू कर दी. सन ढल रहा था तो हमें ने लाइट रूम वेरांडा की और घर की रूम की लाइट्स ऑन कर दी. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड ऑल ओवर द वेरांडा इन हर रूम राइट अवे वेयर शी ले डाइड स्टिफ रैप्ड द रेड श्राउड थाउजेंड ऑफ स्पैरो सैड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. तो एकदम से रुक जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं, बिकॉज जहाँ उनका रूम था जहाँ पे वो बैठती थी वेरांडा में, जहाँ पे उनका रेड श्राउड था कपड़े मीन्स रेड श्राउड जहाँ पे कवर था, जहाँ की डेड बॉडी थी दादी की, वहाँ पे थाउजेंड ऑफ स्पैरोज आ गई उनके पास बैठ गई. देव No chirping. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. The coincidence, the weird thing was that कि वहाँ पर thousand of sparrows थी but there was no chirping sound. हमें बहुत दुख हुआ बर्ड के लिए भी because grandma ही उन्हें फीड करती थी, तो मेरी माँ ने उन्हें ब्रेड दे दिया. She broke into the crumbs the way grandmother used to do and threw to them. मेरी माँ ने उसी तरह ब्रेड क्रम्स के ब्रेड को क्रम्स में चेंज करा जैसे ग्रैंड मदर करती थी. स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. स्पैरोज ने एक भी नोटिस नहीं दिया, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. व्हेन वी कैरीड माय ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ द फ्लू अवे क्विकली. जब हमने कॉप्स मींस डेड बॉडी, जब हमने ग्रैंड माँ की डेड बॉडी उठाई तो वो चुपचाप सभी क्वाइटली उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.